क्विक सिल्वर आई एम फास्ट, फ्लैश आई एम फास्टर, मिन्नल मुरली। हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपकमिंग मलयालम सुपर हीरो फिल्म जिसका नाम है मिन्नल मुरली और इसको हिंदी में कहते हैं मिस्टर मुरली। खैर, अगर बात करेंगे इस टीजर की, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे जिन लोगों ने अभी तक इसका टीजर देखा ही नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने इसके टीजर को मेरी तरह काउंटलेस टाइम देखा है। ये दोनों सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के टीजर की, तो मैं आपको बता दूं कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ये पहला सुपर हीरो जो हम सबको देखने को मिलेगा, और ये सीधा टक्कर देने वाला है मार्वल्स और डीसी के कैरेक्टर क्विक सिल्वर और फ्लैश को, वो इसलिए क्योंकि ये भी उनसे कुछ कम है नहीं। इस मूवी में मेन लीड में हमें नजर आने वाले टोविनो थॉमस एस मिन्नल मुरली, उसके अलावा हमें एक तमिल एक्टर भी इस मूवी में नजर आने वाले जिनका नाम है गुरु सोमू सुंदरम। मूवी को डायरेक्ट किया बासिल जोसफ ने और इसको म्यूजिक दिया है शान रहमान ने। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ कि भाई, मैंने टोविनो थॉमस सर की एक भी मूवी फिलहाल नहीं देखा हो, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं डेफिनेटली कि कोई ना कोई एक मूवी तो जरूर देखना पसंद करूंगा। साथ साथ मैं इस पर्टिकुलर मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ और मुझे इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं थी, और यही एक मेन प्रॉब्लम होती है हम हिंदी व्यूअर्स के साथ। जब साउथ इंडस्ट्री में कोई अच्छी मूवीज बनती है तो हमारे तक वो पहुंचती ही नहीं है, लेकिन अब फाइनली पैन इंडिया की वजह से ये सारी मूवीज हमारे तक पहुंचने लगी है। और मैं थैंक यू बोलूंगा एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है अमित, जिन्होंने मुझे इस टीजर के बारे में बताया। ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि नहीं भाई, इस मूवी का टीजर रिव्यू तो करना ही चाहिए। खैर, ये एक सुपर हीरो मूवी के साथ साथ एक कॉमेडी मूवी भी होने वाली, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जहां पर आपके हंस हंस के पेट डूब जाएगा, लेकिन इस मूवी में आपको भर भर के एक्शन भी देखने को मिलेंगे, और इसीलिए यहाँ पर हायर किया है हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर व्लैड रिमबर्ग को। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई व्लैड रिमबर्ग कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स और कुछ बॉलीवुड मूवीज जैसे कि सुल्तान और ब्रदर, इन प्रोजेक्ट्स में काम किया है। कि इस मूवी में हमें क्या प्लॉट देखने को मिलेगा, तो ये आईएमडीबी पे लिखा है, द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर ऑफ मुरली प्लेड बाय टोविनो थॉमस हु इज हिट बाय लाइटनिंग एंड गेट्स सुपर नेचुरल पावर्स। द फॉलोइंग इवेंट्स एंड सिचुएशंस फॉर्म द बेसिक ऑफ द फिल्म। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मूवी में हमें ये पता चलेगा भाई मिन्नल मुरली को ये पावर्स किस तरह से मिली, और उसके बाद इस पावर को वो कैसे यूज करे और कैसे वो लोगों के सामने आते एज सुपर हीरो। तो बेसिकली शायद ये इनकी ओरिजिन होने वाली है, और अगर ये मूवी लोगों को पसंद आती है, जो कि टीजर देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कुछ यूनिक देखने को तो डेफिनेटली मिलेगा। ये बॉलीवुड की तरह सेम वही दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नया देखने को मिल रहा है, इसीलिए ऐसा फील आ रहा है कि ये ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ सालों में हमें इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इस मूवी में एक सुपर हीरो है तो यार सुपर विलन की तो जरूरत है ही, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर एक तमिल एक्टर जिसका नाम है गुरु सोमू सुंदरम। तो अब देखना है कि वो टोविनो थॉमस के कैरेक्टर मिन्नल मुरली को किस तरह से टक्कर देते हैं। अब बात करेंगे टीजर में सुनने को मिली जो बैकग्राउंड म्यूजिक की, जिसे दिया है शान रहमान ने, यार इतनी जबरदस्त, और जो एक साउथ का जो एक टच आता है म्यूजिक में वो एक अलग ही एहसास है भाई। अब बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर बाजिल जोसफ की, तो उनकी ये तीसरी मूवी है, लेकिन उसके अलावा ये कई मलयालम मूवीज में एज एन एक्टर नजर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कैमियो रोल किया या तो आप कह सकते हैं स्पेशल अपीयरेंस किया। उसके अलावा ये डायरेक्टर के साथ साथ एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी है, और साथ साथ काफी शॉर्ट फिल्म्स को इन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट किया, और उसमें नजर भी आ चुके हैं। लेकिन मिन्नल मुरली बाजिल जोसफ की अब तक की सबसे बड़े बजट की मूवी है, और इस मूवी का अगर आप टीजर देखोगे तो 1 मिनट 10 सेकंड में आपको जो मजा आता है ना, वो आपका एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि आप लोग सोचोगे कब ये मूवी थिएटर्स में आए और कब हम लोग देखें। और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि इस मूवी का हिंदी नाम है मिस्टर मुरली, इसका मतलब यह है कि ये पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा, इन सभी लैंग्वेज में हमें ये मूवीज देखने को मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आईसीबी इंडियन ऑडियंस को पसंद आएगी, बल्कि ये वर्ल्ड में अपना नाम करेगी। क्योंकि अगर आज की तारीख में आपको अच्छी मूवीज देखना जहां का कॉन्सेप्ट यूनिक हो, तो आप मॉलीवुड या सैंडलवुड इनकी कोई भी मूवी देख लो, आपको डेफिनेटली कुछ नया तो 100% देखने को मिलेगा। और टैलेंट को आप कितना भी दबा लो या कितना भी इग्नोर करो, टैलेंट कभी इग्नोर हो नहीं सकता, वो एक दिन लोगों के सामने जरूर आता है। और पर्टिकुलर इस मूवी की बात करें मिन्नल मुरली, तो यार डेफिनेटली इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लग रहा है, और हाँ, जिसने इस टीजर को एडिट किया उसकी भी तारीफ बनती है। इस तरीके की मूवीज अगर कोई इंडस्ट्री बना रही है जिसको सपोर्ट की डेफिनेटली जरूरत है, तो मैं तो जरूर करूंगा, आपको भी सपोर्ट करना, तो जरूर मिन्नल मुरली इस फिल्म को सपोर्ट करो, क्योंकि फिल्म के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है और इनकी मेहनत को एप्रिस
अप्रिसिएशन अगर मिलेगा तो ये लोग और भी अच्छी मूवीज बनाएंगे। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस मूवी का ट्रेलर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप लोग जरूर देखना हिंदी और मलयालम का। उसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। और मिन्नल मुरली इस मूवी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रेन।